हेलो जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल विलेज ब्लॉगर ज्योति में। तो अभी मैं नहाकर आई हूँ और मैंने बांध ली है साड़ी, और बाल भी आज मैंने रबड़ डाली है, वैसे नहीं ऊपर को नहीं बांधने हैं। और थोड़ा सा बहुत हल्का सा किया है मैंने मेकअप, आज मेरा मन नहीं है मेकअप करने का। तो आप लोग कमेंट करते रहते हो कि दीदी साड़ी बांध लिया करो कभी कभार, तो आज बांध ली है। तो अभी जो है मुझे कायरों को नहलाना है और मैं नहा ली हूँ। वो सूर्य शेर भी खुली रह गई, मैं पर्स उतार कर लाई थी। तो अभी मैं कायरों को नहा लेती हूँ, तो उसके बाद दोपहर का खाना बनाना है। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो आप लोगों की ख्वाहिश थी कि दीदी साड़ी बांधिए, तो मैंने आप लोगों की फरमाइश और ख्वाहिश के लिए साड़ी बांधी है। देखिए मैं बस छोटे बेबी की वजह से साड़ी नहीं बांध पाती हूँ, पर काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे साड़ी को लेकर, तो आज फिर से मैंने वही साड़ी बांध ली है। आप लोगों को भी बहुत सुंदर लगी और मुझे भी बहुत सुंदर लगती है साड़ी। कायरव तो अभी ये नहाएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। लाओ बेटा जी, दे दो। ओ ओ बिल्ली आली, बिल्ली म्याऊ 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 आली म्याऊ। कायरव को लेकर जाएगी म्याऊ। रुको बाबू रुको, चंची हो गई चंची मम्मी जी। बाबू जी कहाँ हैं मेरे, बाबू जी कहाँ हैं मेरे, बेटा जी कहाँ हैं मेरे, कायरू कहाँ हैं। कायरू कहाँ हैं, आ जाओ आ जाओ। तो देखिए हमारे जो बाबू जी हैं वो नहा चुके हैं। हाँ छोने ओ छिपाई ले रहे, अभी तो सो के उठे आप। तो देखिए हमारा जो कायरू है वो भी नहा लिया है, हमने उसके तेल भी डाल दिया है और पाउडर लगा दिया है। साई नहीं डलवाता बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत देर में साई डाल देंगे अगर सो गया तो, सोने से पहले, वरना जगते हुए तो हाथ नहीं लगाने देगा, बहुत शैतान हो गया है। तो देखिए मैं साड़ी पहन रही थी, मुझे साड़ी निकालनी पड़ी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। दूसरा फिर कायरव जो है मतलब वो रो रहा था, उसे संभालने में मुझे साड़ी नहीं बांधी जाती है। आप लोग बोलते हो कि दीदी साड़ी बांध लो, तो मैंने सुबह में सोचा था कि मैं आज साड़ी नहीं निकालूँगी बिल्कुल भी, आप लोगों की बात मानूंगी साड़ी पहनूँगी, पर वो रोने लगा फिर मुझे निकालनी पड़ी। तो अभी मैं निकाल रही हूँ मावा। तो देखिए मेरा मावा तो निकल चुका था, उसके बाद ये मैंने बरामदे में जो कुछ मिट्टी है वो भी यहाँ भिगो कर रखी हुई थी, बना तो मैं इसे बाहर से ही लाई थी, और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिया था इसे, और इसमें भूस भी मिला लिया है। और अभी मैं ये जो मैंने पटड़ी बनाई थी करीबन 5-6 दिन पहले आप लोगों को दिखाई थी वीडियो में, तो ये सूख चुकी है अच्छे से, और अभी मैं बना रही हूँ चूल्हा। तो इस पर मैंने पहली बाट दे दी है, बाट बोलते हैं मिट्टी की, मतलब जो पहली वो है गाँव में बाटी बोलते हैं, बाट लगा दी है पटड़ी पर पहली। तो मुझे मिट्टी का चूल्हा बनाना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ और चूल्हा भी बना लेती हूँ। तो देखिए पहली बार देकर मैं इसे ऐसे ही अच्छे से चारों साइड से ठीक करके छोड़ दूँगी, जब ये सूख जाएगी तब इसमें दूसरी बार आएगी। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं ये बार लगा लेती हूँ। तो अभी मैं सब तेल डाल रही थी, तो देखिए मैं ऑयल जो है ना हथेली पर लेकर ही लगा रही हूँ, तो मैं बहुत कम ऑयल लगाऊँगी क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो पहले से ही ऑयली है बहुत, तो अगर मैं ज़्यादा ऑयल लगाऊंगी तो सारा चेहरे पर दिखाई देता है, तो इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का सा तेल लगाऊंगी। मेरे को कुछ इस तरह से ही लगाया जाता है, ऐसे ऐसे मांग छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे मांग निकालनी है, अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने कटोरी वगैरह में नहीं लिया था, बस मुझे थोड़ा सा ही लगाना था, ऐसे लिया और ऐसे मांग निकाली और लगा दिया, फिर इधर से फिर से ऐसे मांग निकाल लिया
देखिए मेरे हाथ गिर रहे हैं, तो इस तरह से माल निकालने के लिए हल्की हल्की हाथ से मालिश करनी है इस तेल की। तो जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे, तो मेरा हफ्ते में 2 बार लगाने के लिए बोला है, पर मेरा इतना टाइम नहीं लगता, जब भी टाइम लगता है तब लगा लेती हूँ। चलिए ऑयल लगा लेते हैं। मैंने सर में तो तेल डाल लिया था, यहाँ पर राठी जी और जो मेरे एक रिश्ते में जेठ भी लगते हैं और एक रिश्ते में भाई साहब भी लगते हैं, वो दोनों लगे हुए थे टंकी को बाहर रखने के लिए। और यहाँ पर राठी जी जो है इसका कुंदा खोल रहे थे, जो पलाई का कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ था उससे खोल रहे थे, तो यहाँ मस्ती भी हो रही थी थोड़ी सी। वो पलाई का टुकड़ा सा था जिससे खोल रहे थे वही टूट गया, तो फिर उन्होंने ऐसे ही हाथ से खोल लिया, उसे मस्ती कर रहे थे। तो अभी इस टंकी को जो है बाहर रख देंगे, क्योंकि जो नए गेहूँ आ गए हैं वो भरने हैं, तो इसमें कुछ पुराने गेहूँ हैं देखिए, ये अभी निकालने हैं। तो जब गांव में ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, गेहूँ भरते हैं तो थोड़ा सा भूस डाल लेते हैं और माचिस की तिल्ली वगैरह डाल लेते हैं। तो जैसे ही टंकी उठाई, उनके पाँव में हल्की सी कन्नी लग गई, बहुत पैनी हो रही थी नीचे से, टंकी की जो कन्नी है वो लग गई है। तो फिर ये दोनों लोग इस टंकी को मतलब बाहर धर रहे थे। आप लोगों को पता ही है घर में काम चल रहा है, तो सामान थोड़ा इधर का उधर हो रहा है, इसे बाहर सुखाने के लिए रख रहे थे, क्योंकि जो नए गेहूँ हैं वो इसमें डालने हैं, ये जो पुराने हैं वो निकालने हैं। और फिर उसके बाद ये सोफ़ा रखा हुआ था इधर रूम में, आप लोगों को पता है इसे स्टोर रूम में रख रहे हैं। तो एक एक करके इस रूम का सारा सामान निकाल रहे हैं, और इसमें मम्मी का जो संदूक है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सोफ़ा बोले कि बरामदे में रखूँ या फिर स्टोर में, मैंने बोला कि स्टोर में रख दीजिए, पता नहीं क्या एक दिन लग जाए काम में, इस तरह से फैला हुआ है सिंगवाने में। तो अभी उसके बाद ये जाली उठा रहे थे, जो ऊपर के डब्बे हैं उनमें कोई ऐसा खिलने वाला सामान नहीं था, ढक्कन बंद थे, तो मैंने भी इसमें छोड़ दिए, जो इसमें वैसा सामान था टूट फूट का वो मैंने सब निकाल लिया था। उसके बाद इसे भी वो स्टोर रूम में ही रख रहे हैं, और फ्रिज भी मैं वहीं सेट करवा दूँगी स्टोर रूम में। तो ये है, थोड़ी धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, क्योंकि बाहर तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, लकड़ी वगैरह का काम चल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोग कब तक ये बाहर रखे रहेंगे। तो उसके बाद अभी ये मम्मी जी का संदूक है, तो देखिए काफ़ी पुराना संदूक है, मम्मी जी की शादी का है, तो अभी वो लोग इसे भी निकाल रहे थे, काफ़ी भारी है। उस टाइम में बोलते हैं कि काफ़ी भारी सामान होते थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी, काठ की लकड़ियों की होती थी ना, तो इतना भारी संदूक था, मतलब कि ये 2 जने लगे हुए थे उधर हुए थे, पर उनसे नहीं उठ रहा था, इतना ज़्यादा भारी था। तो आज भी वो ऐसा ही है शादी के टाइम से लेकर अब तक भी, तो हम यहाँ पर हंस भी रहे थे कि इतना भारी संदूक है नहीं उठ रहा है, ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मस्ती भी चल रही थी, निकाल भी रहे थे, और बहुत मुश्किल से निकाला है, सीधा करके तो नहीं निकल रहा था। तो पुराने ज़माने की चीज़ें आज भी इतनी मजबूत हैं देखिए। तो अभी ये 3 लोग लगे हुए थे, पर बहुत मुश्किल ही निकल रहा था, सीधा तो नहीं निकला, तो उसे तिरछा कर कर निकाल रहे थे। देखिए जब एक तो दरवाजे लग गए हैं, और फिर जब से इधर वाले रूम में शिफ्ट किया था ये, तब से बाहर नहीं निकाला था, तो अभी निकाल रहे थे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है जब इतना भारी सामान निकालते हैं। और ये 3 जने लगे हुए थे, फिर इनसे उठ भी नहीं रहा था वो। और देखिए इधर से निकाल कर दूसरे वाले रूम में शिफ्ट करने वाले हैं इसे, क्योंकि इसमें मैं कुछ और काम कराने के लिए सोच रही हूँ, तो वो जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आप हर रोज़ वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं और क्या क्या करा रही हूँ घर में। आप लोगों का प्यार और साथ ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है, तो अच्छा है आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा मैं घर में थोड़ा काम करा रहे हैं, तो आप लोग बोल रहे थे कि दीदी घर में काम कराओ, तो मैंने सोचा कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे अपने परिवार वाले बोल रहे हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत काम करा ही देते हैं। तो अभी ये देखिए जो भैया हैं वो लकड़ी का काम करते हैं, जिन्होंने मतलब ये सब चीज़ें की है, लकवाड़ वगैरह चढ़ाए हैं, तो वो भी आ गए थे। तो फिर ये 4 जने लगे हुए थे, उस वाले में से इस वाले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान नहीं किया, गेट लगने से पहले निकाल लेते तो ज़्यादा अच्छा था, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि गेट भी लग चुके हैं। तो अभी ये बस 4 जने इधर से उधर कर रहे हैं, तो अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया है मम्मी जी का संदूक इस वाले रूम में। लगवाने रह रहे थे, तो भैया ने यहाँ पर छेद बनाया था, और वो छोटा जो सामान ले रहे थे उसे छोटा बर्मा बोलते हैं, उससे उस छेद को कर रहे थे वे, उसमें थोड़ी अभी अच्छे से कर रहे थे, फिर उसके बाद फिर ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, इससे सेट कर रहे थे, तो वो छेद
इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो एक कमेंट आ रहा था मुझे, दीदी गला नंगा मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता है, चैन वगैरह डालो। तो देखिए जो मेरे धागे में माता रानी थी मेरी, वो भी टूट गई है, तो उसमें मुझे टंका लगवाना है, उसे पहनूंगी और चैन वगैरह देखिए डालूंगी। या मंगलसूत्र मैंने डाल कर भी रखा था, जो मंगलसूत्र की चैन थी वो टूट गई है, तो मुझे गर्मी में ये भी सहन नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी आप लोगों के लिए पहन लूँगी मैं। और देखिए मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, एक एक चूड़ियाँ मेरे हाथ में फैला पड़ा है सारे, मुझे सिंगवाने के चक्कर में इधर उधर सामान अदला बदली हो रही है, तो चूड़ी भी नहीं डाली मैंने सारी। कुछ कमेंट आते हैं बहुत सिंपल हो, तो देखिए सिंपल ही रहना चाहते, और रही पिंपल्स की बात, तो देखिए दो तीन निकले थे फिर से अपना आप दब गए, निकल जाते हैं दब जाते हैं। वो थोड़ा गर्मी भी तो ज़्यादा हो रही है ना, उस वजह से। एक आया था कि पति की पसंद का खाना बनाइए, तो देखिए वो गर्मी की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पसंद का नहीं है। पूछ लेती हूँ आप बता दीजिए, मम्मी बता देगी क्या खाना है शाम को खाने में, वही बना दूँगी या दोपहर को खाने में। तो देखिए कुछ लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दीदी आप जवाब दो। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर सामने वाला हमें गाली दे रहा है और हम भी उसे गाली देंगे, तो उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? जो कोई गाली दे रहा है देने दो, कोई बात नहीं, वो ये सोचता है कि तुम सामने वाले का बिगाड़ रहे हो, उसका नहीं बिगाड़ रहे हो आप, अपना बिगाड़ रहे हो, अपनी जुबान गंदी कर रहे हो किसी को गलत बोलकर। तो मैं खुद से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि उसे गाली दूँगी, गलौज करूँगी, ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। जो कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो। मैं आप लोगों से भी एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग गुस्सा ना करें और हाँ अपने काम पर ध्यान दें और अपना हर रोज़ वीडियो देखिए। मैं आप लोगों के, आप लोग मेरे साथ हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मेरी फैमिली हो, मैं जानती हूँ मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स को गुस्सा आया इस बात का। तो यही चाहती हूँ कि जब मैं इतना सहन कर रही हूँ, मुझे पता है मेरी चुप्पी है, मेरी चुप्पी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उठा लेंगे दीजिए, मैं बुरा नहीं बोलूँगी। जब तक मेरी हद की सीमा है मैं अपनी सीमा में ही रहूँगी, नहीं सामने वाले को बुरा बोलूँगी। अगर लिमिट क्रॉस करेगा सामने वाला तो जवाब भी देते हैं, पर अभी टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, बोल लेने दो, आप लोग गुस्सा मत करिए। और आपसे ही मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, आप ही मेरी फैमिली हो, तो मैं अपने फैमिली मेम्बरों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही है, अगर वो गाली दे रहा है तो बदले में ये नहीं कि हम भी उसे गाली दें, कोई नहीं है, चलता है ऐसा, तो यूट्यूब पर चलता रहता है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि भाई हम इतने पीछे रह गए, वो आगे निकल गई, तो देखिए सबको आप लोग ही हैं आगे पीछे करने वाले, और अपने हाथ में हमारे कुछ नहीं है। अगर आप लोग साथ हो तो आगे बढ़ जाएगा इंसान, आप लोग साथ नहीं हो तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप लोगों ने सपोर्ट मत करो, सबको सपोर्ट करो भाई, सब आगे बढ़ने चाहिए, कोई पीछे ना रहे एक दूसरे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेरी बात से सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप इतना सहन करती हो, तो सहन करने के आदमी के अंदर शक्ति होनी चाहिए, सहन करने को तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, अगर हम उन सब चीज़ों से आगे निकल कर नहीं बढ़ेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना